आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रीजनरेशन हम कैसे करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि रीजनरेशन हम करवाते हैं फीड वाटर हीटर्स के थ्रू। फीड वाटर हीटर्स बेटा दो किस्म के होते हैं, ओपन फीड वाटर हीटर और दूसरे होते हैं जी क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर हीटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये ऊपर लिंक आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रीजनरेशन विद क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। अब बेटा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, एक ऐसा फीड वाटर हीटर जो ओपन नहीं होगा, जिसमें डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी। ये बेसिकली बेटा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर एक शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें ट्यूब्स के अंदर आपका फीड वाटर जो आपका ठंडा पानी होता है वो फ्लो करता है और बाहर ट्यूब्स के बाहर शेल वाली जगह पर एनुलर स्पेस में स्टीम फ्लो करती है। इन दोनों के दरमियान इनडायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अब यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, दोनों फ्लूड एक दूसरे के साथ आगे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे जो दोनों फ्लूड्स हैं वो डिफरेंट प्रेशर्स पर हो सकते हैं। दोनों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्रेशर पर ही हों। अभी हम क्लोज फीड वाटर हीटर की मदद से रीजनरेशन किस तरह करवाते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। अब ये स्कीमेटिक और टीएस डायग्राम हमारे पास आ गई, तो बेटा यहाँ से शुरू करते हैं जी। सिक्स से जो है ना बेटा वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसें टर्बाइन में इंटर हुई, एक्सपेंशन शुरू हो गई, पावर प्रोड्यूस हुई, यहाँ से वर्क पैदा हुआ। यही कुछ मैंने यहाँ पे शो किया है जी टीएस डायग्राम के ऊपर। ये टर्बाइन में एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई, एक ख़ास प्रेशर पर एक ख़ास टेम्परेचर पर 0.7 पर जाकर आपने स्टीम को ब्लीड करवा लिया, एक्सट्रैक्ट करवा लिया और इसको दे दिया जी क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में। ठीक हो गया बेटा, ये वाली आ गई इधर। उसके बाद जो बाकी स्टीम है वो एक्सपेंड करती रहेगी 8 तक। ये बेटा आ गई आपकी टोटल एक्सपेंशन। अब बेटा यहाँ पे अगर आपके पास आ रहा था 1 kg टोटल मास, तो y kg मिसाल के तौर पर इधर चला जाएगा और बाकी कितना बचेगा, y इधर चला गया तो टोटल 1 था, तो 1 - y जो है ना ये आपका कंप्लीट एक्सपेंशन में आगे इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया बेटा। अब 8 पे आके जिस तरह आप रिवायती तौर पर करते हैं, आप रैंकिन साइकिल में पढ़ के आए, कंडेंसर में से गुजारेंगे, यहाँ पे जो होगा सैचुरेटेड लिक्विड वेपर, उसको आप यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट करवा लेंगे। अब यहाँ तक हम आ गए। अब ये वाला जो है ना हमारा दोस्तों, ये फीड वाटर है, इसको आगे हमने हीट कर करके बॉयलर में हीट ऐड करवा के टर्बाइन के प्रेशर टेम्परेचर तक पहुँचाना है। यहाँ पे बेटा जो हम फीड वाटर यूज़ कर रहे हैं वो है क्लोज्ड, तो जो दो फ्लूइड्स हैं जिनके दरमियान हीट ट्रांसफ़र होनी है उनका सेम प्रेशर पे होना ज़रूरी नहीं है। हम पंप 1 से फ्लूइड को प्रेशराइज कर देंगे टिल द बॉयलर प्रेशर, 1 से 2, ये बेटा आपका चला जाएगा टिल द बॉयलर प्रेशर। क्योंकि बेटा ये वाली जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है और ये बॉयलर की लाइन के साथ जाके मिल रही है, तो ये आपका बॉयलर प्रेशर होगा ये वाला सारा बेटा। तो 1 से 2 आपने फीड वाटर का प्रेशर बढ़ा दिया बॉयलर प्रेशर तक। अब उसके बाद 2 से ये जा रहा है बेटा क्लोज फीड वाटर हीटर में, और 7 से बेटा ये जो स्टीम आपने ली थी टर्बाइन से ये वो आ रही है जी क्लोज फीड वाटर हीटर में। अब आइडली जो होता है ये जो स्टीम है ये जो निकलेगी क्लोज फीड वाटर हीटर से होने के बाद एज अ सैचुरेटेड लिक्विड, तो 7 से लेकर 3 ये आ गया हमारा बेटा सैचुरेटेड लिक्विड। अब 2 से लेकर 9 तक ये आपने फीड वाटर कर दिया है हीट। अब आइडली जो होता है फीड वाटर को हम हीट करवाते हैं स्टीम के एग्जिट टेम्परेचर तक, जो आपने स्टीम एक्सट्रैक्ट की है उसके एग्जिट टेम्परेचर तक आप फीड वाटर को हीट कराते हैं, यानी आपका T9 और T3 ये दोनों बेटा होंगे बराबर। अब 3 जो है बेटा ये आप ले रहे हैं ये वाली जगह से, ये आपने ब्लीडिंग करवाई थी इस प्रेशर पे, अब ये प्रेशर और ये प्रेशर डिफरेंट है, तो हम इसको बॉयलर के प्रेशर तक पहुंचाने के लिए आपने 3 से आगे एक पंप लगाया हुआ है, जो ये वाला जो आपका कंडेंसेट बनेगा क्लोज फीड वाटर हीटर के बाद उसको बॉयलर प्रेशर तक पहुंचा देगा। ठीक हो गया बेटा। अब ये 4 और 9, अब हम पहुंच गए बेटा यहाँ पर, सही हो गया।
अब ये दो फ्लूइड्स हैं, आगे हमने इनको बॉयलर तक पहुंचाना है, तो इनको मिक्स करते हैं। मिक्स करके जो है ना दोनों को बॉयलर में दे देते हैं, क्योंकि अब दोनों जो हैं वो बॉयलर के प्रेशर तक पहुंच चुके हैं। टू भी बॉयलर के प्रेशर तक है और ये फोर भी बॉयलर के प्रेशर पर है, तो ये दोनों अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, तो इनके दरमियान का एक टेम्परेचर पर ये दोनों पहुँच जाएँगे। फोर का टेम्परेचर ज़्यादा है, नाइन का इससे कम है, तो ये दोनों फाइव टेम्परेचर पर पहुंच गए। और इसके बाद बॉयलर में आप हीट देंगे कोल, आयल और नेचुरल गैस जलाकर, और इस तरह जो है ना ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये था बेटा रीजनरेशन विद क्लोज्ड फीड वाटर हीटर। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ये वीडियो आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।